अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहान और आप देख रहे हैं जुल्का किचन व्लॉग्स। आज बने जा रहा है छेने का केक। बहुत टेस्ट होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कितना बढ़िया केक बन के हमारा तैयार हो गया है एंड कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बिना अंडे का केक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है एंड जो दूध है वो हमने अमूल का लिया है। तो दूध को हमने हमारे बर्तन में निकाल लिया। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसे उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे। तो नींबू का रस हमने निचोड़ के रख लिया था वो हम इसके अंदर डालेंगे एंड लेडल की मदद से थोड़ा सा इसे हिलाएंगे एंड आप देखिएगा कि आपका दूध फटना शुरू हो जाएगा एंड ये दूध से छेने के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे एंड हमारा जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। देखिए कुछ ऐसे हमारा छेना तैयार हो जाएगा। तो अब हम एक बड़ा सा भगोना लेंगे, भगोने में एक छन्नी डालेंगे या आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, उसमें हमारे छेने को डाल देंगे एंड इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। और अब इसके पानी झड़ने तक हम इसे ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे छेने का सारा पानी निकल गया है। अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से इसे अच्छे से गूंदेंगे। रोटी जैसा नहीं गूंदना, कुछ जैसा आप देख रहे हैं वैसे गूंद लेना है। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे 1 कप, सूजी डालेंगे 1/2 कप, मिल्क पाउडर डालेंगे 1/3 कप और डाल देंगे 1/2 कप चीनी। इन सबको डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे 1/3 कप एंड रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे ये 150 ml दूध है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे एंड इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। देखिए अच्छे से ऐसे मिलाते रहिएगा। तो इसमें हमने 150 ml दूध पूरा डाल दिया है। अब हम इसमें फिर से 150 ml दूध डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। देखिए ऐसे मिलाते रहेंगे हम इसमें एंड अब हम इसमें 1 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर डालेंगे एंड इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 15 से आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे फिर से मिलाने लग जाएंगे एंड आपको पता है कि सूजी दूध सोख लेता है, इसलिए अब हम इसमें फिर से दूध डालेंगे। तो यहाँ पर हम 50 ml दूध डालेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया। आपका केक का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम एक ऐसा छोटा सा कोई अगर कटोरा वगैरह हो तो आप ऐसे ले लीजिए, उसमें बटर पेपर लगाइए। तो बटर पेपर के ऊपर हमने थोड़ा सा तेल भी ब्रश कर दिया था, रिफाइंड ऑयल। तो इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे और हमारे केक का जो बैटर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो बटर पेपर लगाने से ये जो है बर्तन से या जो आप मतलब बॉल वगैरह यूज़ कर रहे हो, कटोरी वगैरह, उसके साथ चिपका नहीं रहेगा, ये आराम से निकल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे बैटर को। तो अब हम एक भगोना लेंगे, भगोने में हम नमक डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो नमक लिया है। नमक को अच्छे से हमारे भगोने में फैला देंगे एंड फैलाने के बाद इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे। ये जो स्टैंड है ये सबके घर में ही होगा। तो इसे अब हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिएगा और फ्लेम को जो है हाई पर कर दीजिएगा। तो देखिए गर्म हो गया। अब हमारा जो बैटर है केक का वो हम इसके अंदर रख देंगे एंड इसे 45 मिनट तक हम इसके अंदर बेक करने के लिए रख देंगे। 45 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा 15 मिनट हो गया है, तो थोड़ा सा ही फूला है अभी ये। एंड यहाँ पे अब हमारा 30 मिनट्स हो गया, यानी कि आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे खोल के देखेंगे एक बार एंड इसके अंदर टूथपिक लगा के भी देखेंगे। देखिए चिपक रहा है एंड इसके साथ थोड़ा थोड़ा बैटर भी निकल के आ रहा है, इसलिए हम फिर से ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टूथपिक लगा के देखेंगे। तो देखिए ये आराम से निकल के वापसी आ रहा है।
मतलब कि हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा केक। तो अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। बाकी इसे आप थोड़ा ठंडा भी होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि गरम गरम तो आप खाओगे नहीं। तो इसे पंखे के नीचे रख दीजिएगा, 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसके जो साइड है वो हम चाकू की मदद से काट लेंगे। एंड अब इसे निकाल लेंगे। देखिए कितने प्यार से निकल गया, बटर पेपर लगाने से बहुत प्यार से निकल जाता है। तो देखिए हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। घर पे इतने बढ़िया से केक बनके तैयार हो रहा है, तो आप बाहर से क्यों खरीदने जाओगे। आप चाहे तो इसके ऊपर विप क्रीम भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, इसे हम काटेंगे और खाएंगे। आप भी बना के इसे खा के ज़रूर देखिएगा। एंड मैं कहूँ बटर पेपर को भी निकाल लीजिएगा, हमने निकाल लिया है। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे दूध से छेना बनी है एंड छेना का केक बनी है। कितना बढ़िया केक बनके हमारा तैयार हो रहा है एंड कितना सॉफ्ट भी है। तो ये खाने में तो बहुत अच्छा है। हम मिल लेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।